सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। घर का वेदी लंका ढाए ये चरितार्थ संसार में हुआ, क्योंकि विभीषण जी धर्म का साथ दिए और रावण पराक्रमी होते हुए भी अधर्मी था। युद्ध में रावण जी की रावण को मारने से उसकी मौत नहीं होती, एक सिर कटता फिर दूसरा आता। श्री राम को यह ज्ञात नहीं थी कि रावण की आत्मा उसकी नाभि में है। फिर विभीषण ने बताया, हे प्रभु, रावण की आत्मा उसकी नाभि में है, आप वहां प्रहार कीजिए। और इस तरह रावण की मौत हुई और उसी समय से ये चरित्रार्थ हुआ कि घर का भेदी लंका था। देखो, रावण का छोटा भाई विभीषण आपकी शरण में आया, आपको बहुत सावधान रहना होगा प्रभु। ये राक्षस तो मायावी होते हैं, रूप बदलने वाले होते हैं, ये मुख दर्द को हटता है। विश्वास पात्र बनकर हमें मौका दे बताइए प्रभु, शत्रु सेना के लोगों को अपनी सेना में रखना सीखिए प्रभु। आप ही अपनी राय बताओ, हमें क्या करना चाहिए? प्रभु, मुझे तो इन पात्रों का वध भी अनुचित नहीं लगता। जब तक युद्ध हमारी जीत नहीं हो जाती, इन्हें बंदी बनाकर रखना चाहिए। भीषण शरण आए और उन्हें पति बनाने की चर्चा, आज मेरे स्वामी को क्या हो गया? ये संकट ग्रस्त है, आपसे कुछ अज्ञात नहीं। हम बादल आपको क्या सलाह देंगे प्रभु? महाराज की बात माने या न माने, परंतु एक बार इनकी परीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। देवों के गुरु भी आपको सलाह देने का साहस नहीं कर सकते, परीक्षा की बात सही नहीं। मैं तो हमारे साथियों के साथ रहते हुए वैसे भी पापी रावण को छोड़कर ये आया है, आपके शरण आया है। आपने वादा राज सुग्रीव को भी शरण दी, ये सुनकर आया है। मुझे तो इसमें कोई गलत नहीं दिख रहा, मैं इस पक्ष में हूं कि आप इसे अपना लें। आपने महाराज सुग्रीव में हम में से कोई लंकापति नहीं होना चाहता, इसे शरण में स्वीकार कर मुझे ये अच्छा लग रहा है। बाकी स्वामी की आज्ञा। ये दुष्ट हो या शिष्य,
हम इसे स्वीकार करें। जो मित्र भाव मेरे पास आएगा उसका दोष भी हो तो भी मैं उसका त्याग नहीं कर सकता। दुष्ट है दुष्ट को भी शरण आने पर मैं जानता नहीं। लेकिन प्रभु ये तो सोचिए, ये विपत्ति में आपने सगे भाई को छोड़ने आया है। विभीषण घर बार त्याग कर अपमानित होकर आपकी शरण में आया हूं प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। देवी होकर वरदान मांगो। क्या वरदान मांगो प्रभु? बस आपके चरणों में रहने के लिए अगर थोड़ी सी जगह मिल जाए तो वही बहुत है प्रभु। ऐसा ही परंतु आप मित्र मेरे पास आए तो यार एक पुरस्कार आपको स्वीकार करना ही चाहिए। लक्ष्मण जी भैया सागर ढल गया, राक्षसों के मध्य रहते हुए आप अपने धर्म में कैसे रहते हैं? मैं धर्म को क्या जानूं प्रभु, राक्षस परिवार में जन्मा, बस आपकी कृपा हो जाए तो आपके चरणों में रहूंगा और आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा प्रभु। इसी भैया घर बार त्याग कर अपमानित होकर आपकी शरण में आया हूं प्रभु। क्या वरदान मांगो प्रभु? बस आपके चरणों में रहने के लिए अगर थोड़ी सी जगह मिल जाए तो वही बहुत है प्रभु। ऐसा ही परंतु आप मित्र मेरे पास आए तो यार एक पुरस्कार आपको स्वीकार करना ही चाहिए। लक्ष्मण जी भैया सागर ढल गया, राक्षसों के मध्य रहते हुए आप अपने धर्म में कैसे रहते हैं? मैं धर्म को क्या जानूं प्रभु, राक्षस परिवार में जन्मा, बस आपकी कृपा हो जाए तो आपके चरणों में रहूंगा और आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा प्रभु। इसी भैया श्री राम की जय।
सेतु का निर्माण किया, तब प्रभु श्री राम के हृदय में यह प्रबल इच्छा हुई कि मैं यहां पर रामेश्वरम लिंग की स्थापना करूंगा और जो कोई भी मनुष्य मेरे द्वारा स्थापित रामेश्वरम लिंग की दर्शन करेगा वो मेरे परम धाम को जाएगा।